नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे, 90 दिन में इंतखाबात कराना जरूरी है, 2 माह से ज्यादा ताखीर नहीं हो सकती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में ताखीर कर सकता है मगर 1-2 महीने से ज्यादा मुलतवी नहीं हो सकते। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी उसूलों, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी के एहतराम का मुतालबा करते रहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर के खिलाफ मुबैना जाली फेसबुक पोस्ट लगाने का मामला, FIA का PTI चेयरमैन के वकील को नोटिस, नईम पंजोता की आज साइबर क्राइम्स विंग तलबी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान शहरियों का मुलव्वस होना इलाका इस्तेहकाम के लिए खतरा और दोहा अमन मुहिदे की खिलाफ वर्जी है, किसी जत्थे या ग्रोह से बात नहीं करेंगे, मुजाकरात हुए तो सिर्फ पाकिस्तान और उबूरी अफगान हुकूमत के दरमियान होंगे, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और भी हो सकता है, अफगान मुहाजरीन को पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक रहना होगा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। लियारी में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकार दिलशाद अली की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स कराची में अदा, होम सेक्रेटरी सिंध DG रेंजर्स IG के अलावा आला अफसरान और जवानों की शिरकत, खैरपुर में फौजी एजाज के साथ तदफीन की जाएगी। हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक तो बहाल हो गया, ट्रेनों का टाइम टेबल बहाल ना हो सका, लाहौर से कराची आने वाली 3 ट्रेनों की रवानगी मंसूख, कराची एक्सप्रेस बिजनेस एक्सप्रेस कराकरम एक्सप्रेस शामिल। और मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का आज यौम शहादत, पूरे वाला में मजार पर दुआया तकरीब, पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, बहादुर सपूत ने 1958 में आग उगलती मशीन गनों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर तारीख रकम की थी।